देखिए आज मैं बनाऊंगी, गर्मी में तो धनिया बहुत वैसी होती है, लेकिन देखिए खुशबू कितनी है, छोटी छोटी सी धनिया है। सो मैंने धनिया को ले लिया है और वाश कर लिया है। थोड़ा सा मैंने कोको ले लिया है, इसको भी मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ, जिसमें ये आसानी से पिस जाए। ये देखिए मैंने, और इसमें मैंने एक देखिए एक लहसुन ले लिया है। ये देखिए इतनी ज़रा सी मैंने हींग ले ली है कि हज़म हो जाता है इससे। और मैंने नमक ले लिया टेस्ट के अनुसार। चार मिर्ची मैंने ले लिया, हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं, आप लोग अगर तीखा कम खाएं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी, बारीक बारीक काट के, थोड़ा सा बहुत बारीक नहीं, बस हमें पीस नहीं है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा काट देंगे इसको ऐसे। उसके बाद देखिए मैंने मैं इसमें टमाटर काट लेती हूँ। ये देखिए कितने हार्ड टमाटर हैं, इनको मैं काट लेती हूँ, इसका ये निकाल देती हूँ साइड का, इसको काट लेती हूँ, कट करके अलग निकाल देती हूँ, इसको काट लेती हूँ। अब मैं ये सबको इसमें डाल दूँगी, देखिए मिर्ची डाल देती हूँ, धनिया को भी थोड़ा सा काट ही देते हैं, जो ये आसानी से धनिया डाल दिया है, टमाटर को डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, चीनी डाल देती हूँ, अदरक और लहसुन डाल देती हूँ। ऑर्गेनिक चटनी, मैं इसको बहुत बारीक नहीं करती हूँ, अगर बहुत बारीक कर देती हूँ, ये देखिए ऐसे रखती हूँ, बहुत बारीक करने से इसमें टेस्ट कम हो जाता, ऐसे इसमें सिलबट्टे के जैसा टेस्ट बना रहता। जब इसको बिल्कुल बारीक कर देते हैं तो इसमें कोई टेस्ट नहीं लगता, इसलिए मैं इसको बहुत बारीक नहीं करती हूँ, सिलबट्टे जैसी ही रखती हूँ। इसमें निकाल दे रही हूँ, देखिए मैंने चटनी सारी निकाल दिया, देखिए गरी और ये सब डाली, कितनी कितना इसका स्वीट कलर आया हुआ, ये देखिए। और मैंने इसको बहुत बारीक नहीं किया हुआ है, जो इसका टेस्ट दर 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 अच्छा लगता है। देखिए मेरी ऑर्गेनिक चटनी बनके तैयार हो गई।